छोटा सा था, 10 साल का, तब मैंने हिंदी कवि सम्मेलन में शुरुआत की बाल कवि के तौर पर, जो मुझे सदैव स्मरण हुआ थी। और मैं हमेशा कहता हूं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। You've been very, very heartfully accepted by lot of people. We also go out to the down to the market and check कि are we, is our content being aware? लोगों को पता है क्या content हमारा क्या चल रहा है? In the FTA space, pay space, yes, there is a different kind of a challenge. But in the FTA space, Shimaru TV is really very well accepted, and that is helping us to be more sure to create more content. अभी आपने ये शो हमारा लॉन्च हुआ है, इन मे बी 2 months टाइम वी विल बी लॉन्चिंग वन मोर शो। एक्चुअली वी हैव कपल ऑफ शोज टू बी लॉन्च विद इन दिस ईयर। एक्चुअली 60 साल के पर्व पे काफ़ी कुछ चीज़ें सोच रखी हैं। ऑफकोर्स ये भी एक उसी की कड़ी है, एज आई सेड कि Shimaru TV में जो हमारी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है और उसको हमको कैसे और बढ़ाना है और उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है। एक ऐसा शो है जिसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि लोग इससे बड़ा प्यार करते हैं। हमारे देश की धड़कनों में कविता और शायरी बसती है। आप यकीन माने किसी को भी अगर कुछ कहना हो, कोट करना हो, तो सबसे पहले कोई कविता की पंक्ति याद आती है, शेर याद आता है। जनमानस में इस कदर कविता बसी हुई है। तो टेलीविज़न पे हिंदी कविता का ये शो जो आ रहा है, इसमें देश भर के तमाम नामचीन नए लोग आएंगे, कविताएं पढ़ेंगे, यहाँ पे हंसी होगी, ठहाके होंगे, मुस्कुराहट होगी, व्यंग भी होगा, मोहब्बत होगी, श्रृंगार होगा, और सब कुछ मिला के ऐसा होगा कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखेगा। मैं कहूँगा कि मुझे अपनी एक ही पंक्ति याद आती है, आज का ज़माना इतना स्वार्थ का हो गया है कि हम बिना स्वार्थ के तो किसी की तरफ देखते भी नहीं। तो मुझे मेरी एक पंक्ति याद आती है कि वो आज मुझे देखकर मुस्कुराया है, लगता है कोई काम निकला है।